हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ईटानगर की सैर करवाऊंगी, तो चलिए यहाँ की नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो ईटानगर बहुत ही खूबसूरत है और आप ये देख सकते हैं कि बादल कैसे पहाड़ों को टच करते हुए जा रहे हैं और यहाँ अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रखी है। ये देखिए, बादलों ने सारे पहाड़ों को ढक रखा है, ऐसा लगता है बिल्कुल जमीन को छूते हुए जा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, आप देखिए यहाँ की वादी, और ये बीच में घर बने हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये शायद बेम्बू काटने आए हैं। हाँ, ये बेम्बू ही काट रहे हैं। तो ये बेम्बू का जो नरम वाला हिस्सा होता है, जब ये नया नया आता है तो ये उसको काट लेते हैं, तो ये उसी को कट कर रहे हैं। इसका क्या करते हैं आप लोग? इसका ये बेम्बू है ना? हाँ। कैसे बनाते हैं आप लोग इसकी सब्जी? इसका फ्राई भी करते हैं, बॉयल भी करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तो कटा बनाता है, यहाँ से लेके अभी खा सकते हैं। ऐसे खा लेगा, ऐसे ही बॉईल कर, ऐसे मैंने सब्जी बना के खाता है। इससे ना एक इससे हाँ कर कर लीजिए। चलो ओके। अच्छा, ये नया बांस का है, मतलब ये उग रहा है? उग रहा है। ओके ओके ओके। अंदर से कितना पिंक है ना, ज्यादा कट गया ना। हेलो करिए आप भी। हेलो। और आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी बेम्बू के बारे में कि कैसे क्या करते हैं ना। बढ़िया, अच्छा लगा आपको मिलके भी। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इतने अच्छे से आपने सब बता दिया हमको, है ना। चलिए फिर मिलेंगे। मिलेगा। बाय। नमस्ते। चलिए अब बोधा टेम्पल में चलते हैं। तो ये हम बोधा टेम्पल पे आ गए हैं और ये बोधा टेम्पल का पूरा परिसर ही है, तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और ये यहाँ पर ये होर्डिंग लगी है, इसमें यहाँ का ये लोकल फोक डांस का चित्र लगा हुआ है, यहाँ की लोकल ड्रेस पहनी है। और ये देखिए पहाड़, और ये सामने लोग योगा कर रहे हैं, और ये भी एक होर्डिंग लगी है, ये जब बर्फ वगैरह गिरती है उस टाइम का है। तब चलिए अंदर चलते हैं टेंपल में। तो ये देखिए कितनी अच्छी चित्रकारी है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये अंदर। और ये बेल लगी है। थैंक यू। कहते हैं व्हील में काफी मंत्र लिखे होते हैं और आप इन्हें जितनी बार घुमाते हैं आपको उतनी ब्लेसिंग मिलती है। तो अब चलिए अंदर की साइड चलते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी चित्रकला है और कितना सुंदर बनाया है ये स्तूप है, बुद्धा स्तूप।
और बहुत ही सुकून है यहाँ। मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पर भी देखिए सारी लाइन से भीड़ लगी है, तो इन सबको भी घुमा लेते हैं। ये सामने है बुद्धा टेम्पल, जहाँ पर बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। तो चलिए अंदर से देखते हैं, आप बाहर से भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये। और ये यहाँ लिखा हुआ है, ये 14वें दलाई लामा जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुछ, तो ये आप सामने देखिए, ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। और यहाँ नीचे भी प्रतिमाएं हैं, और यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये सारे कटोरे लाइन से रखे हैं, इनमें पानी भर के रखा जाता है, खाली कटोरे नहीं रखते हैं। ये देखिए कितना भव्य टेम्पल बनाया है। और ये दलाई लामा जी हैं, ये तिब्बत से यहाँ आए थे, इन्होंने ही इस टेम्पल का निर्माण कराया था। और ये अभी दलाई लामा जी हैं यहाँ के, ये पाठ कर रहे हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरत चित्रकारी है इस पे। मतलब आप इसे देख सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते हैं या बता नहीं सकते हैं। यहां भी दलाई लामा जी की तस्वीर लगी है। और ये इनके बारे में लिखा हुआ है, दलाई लामा जी के बारे में। ये ऊपर भी बुद्ध भगवान की प्रतिमा स्थापित है। और आप ये छत की भी नक्काशी देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत की गई है। और यहाँ बहुत ही सुकून है। और ये देखिए, ये भी बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। और ये वृक्ष के नीचे ही बुद्ध भगवान को बिठाया है। और ये गाया जी में जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था ना, ये उसी चीज को दर्शाता है। और उसी तर्ज पे यहाँ बनाया गया है। और ये जो बांधा गया है, लोग यहाँ आकर के मन्नत मांगते हैं तो ये कपड़ा बांध करके जाते हैं। और आप ये बाहर के नजारे भी देखिए, और यहाँ पर भी लाइन से व्हील लगी है। ये देखिए, ये पहाड़ों में आबादी बसी हुई है, यहाँ लोग रहते हैं। और ये देखिए बादल कैसे उड़ रहे हैं पहाड़ों पे। और यहाँ नज़ारे बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलेंगे। एक जगह नहीं, जहाँ आपकी नज़रें जाएंगी हर जगह खूबसूरती और प्रकृति की छटा दिखेगी आपको। और ये स्तूप देखिए। और ये हैं हमारे ड्राइवर, जो अपनी ही सेल्फी लेने में बिजी हैं। और यहाँ पर बुद्धा कल्चर से रिलेटेड
सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर मूर्ति हैं, गमछे हैं, मतलब जो भी आप यदि यहाँ पर लेना चाहें ले सकते हैं। ये देखिए अंदर पूजा सामग्री भी है। और ये देखिए यहाँ की खूबसूरती, मतलब खूबसूरती तो काफी है यहाँ पर। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। और मौसम भी बहुत सुहावना हो रखा है। तुम्हारे साथ लेता हूँ। पहाड़ बादलों को छूते हुए और बादल जमीन को छूते हुए, आप इसके बारे में जितना बोलें उतना कम है। और ये यहाँ का टनल है। तो ये सिटी एरिया है, यहाँ का मार्केट ईटानगर का। ईटानगर काफी अच्छी सिटी है। काफी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ। वाला रास्ता गया ना ऊपर, तो वहीं पे राइट साइड जा, सीधा जाना है और जाते रहो, वो लास्ट में वहाँ में मिलेगा। तो गंगा लेक इस साइड से जाने से अच्छा है, राम वाले मार्ग से। कौन सी साइड से? आले सुपा सिया जी। ठीक है, थैंक यू। जिपुता तो उधर है, जीरो। हाँ तो वो जाते में देख लेंगे। थैंक यू जीरो। और ये यहाँ के लोकल लोग हैं, आज भी इसी तरीके से पीठ पे सामान उठा करके चलते हैं। लेक वगैरह है देखने के लिए, लेक ये वाला। सीढ़ियां हैं जिसे चढ़ के ऊपर जाना है गंगा लेक को। ये बहुत ही सुंदर टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ का, अरुणाचल ईटानगर का। तो ऊपर चल करके आपको दिखाऊंगी कि कैसा है यहाँ का व्यू। ये लेक का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। और ये सामने नाव वगैरह भी यहाँ पर चलती हैं, यदि इस पार से उस पार जाना हो तो आप नाव से जा सकते हैं। बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है, लेकिन हाँ खूबसूरत है। ये देखिए गंगा लेक। ये देखिए कितना सारा बेम्बू इन्होंने काट के रखा है बारीक बारीक, और उधर साइड में भी रखा हुआ है उन्होंने। ये बेम्बू लेके जा रहे हैं, इसका अचार बनाएंगे। अचार के लिए इतना सारा बेम्बू इन्होंने काटा है ताकि ये अचार बना सके। इसमें क्या मसाला डालते हैं आप? मसाला डाल के बनाएंगे अचार? क्या इसमें मसाला डालेंगे अचार में? नहीं 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 डॉक्टर, ऐसे ही। अब गंगा लेक से हम वापस होटल की तरफ जाते हुए, क्योंकि सुबह के 6 बजे के निकले हुए हैं, थोड़ा नाश्ता पानी किया जाए। तो ये बीकानेर वालों की शॉप है, तो यहाँ पर हम आए
कुछ खा लेते हैं। तो छोले भटूरे लिए हैं और इन्होंने बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे बनाए हैं और ये यहाँ की सिटी एरिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, आप देखिए यहाँ के लोगों को। आज भी ये पीठ पे बच्चों को बांध करके चलते हैं और काफ़ी सीधे साधे लोग हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। और ये यहाँ के नज़ारे देखिए आप, ये सारी दुकानें लगी हैं, 90% औरतें ही यहाँ पर दुकानें चलाती हैं, वुमेन पावर दिखता है। और अब इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ, अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।